हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो ये जो वीडियो होने वाला है दोस्तों, काफ़ी यूनिक सा वीडियो होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे नोज़ ग्रिल का, जो कि एक कॉपी नोज़ ग्रिल है और यहाँ पर एक ओरिजिनल नोज़ ग्रिल है। तो काफ़ी हम मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर, जो नोज़ ग्रिल की प्राइस है उसके अंदर इतना ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन क्यों है। तो उसी को देखते हुए मैं आपके लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, मेरे पास ये दो नोज़ ग्रिल है। तो आप यहाँ पर इनकी पैकेजिंग देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, एक जो नोज़ ग्रिल की प्राइस है दोस्तों, यहाँ पर 350 के अप्रोक्स है, और दूसरी वाली की जो नोज ग्रिल की प्राइस है 600 के अप्रोक्स है। तो आप यहाँ पर इजीली जज करके नहीं बता पाएंगे कि कौन सा ओरिजिनल है कौन सा फेंक है। तो चलिए सबसे पहले मैं इनको इनके बॉक्स पैकेजिंग से बाहर निकालता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक नोज ग्रिल है और दूसरा हमारे पास एक ये नोज ग्रिल है। तो मैं आपको इनकी डिटेल्स बताऊं, उससे पहले मैं आपको और प्रोडक्ट्स दिखा देता हूं। तो हमने यहां पर और भी नोज ग्रिल रखी हुई है, काफ़ी सारे हमने नोज ग्रिल कलर ऑप्शंस के साथ रखी हुई है, ताकि दोस्तों आप इजीली डिफरेंशिएशन कर सके। तो यहां पर हमारे पास ये सिल्वर कलर है, उसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं हमारे पास ये एक ब्लैक कलर है। साथ ही मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूं, ये हमारे पास दोस्तों ब्लू कलर है, और यहां पर हमारे पास ये रेड कलर है, और यहां पर हमारे पास ये ग्रे कलर है। तो कलर्स की तो दोस्तों हमने वैरायटी कहीं छोड़ी ही नहीं है, ताकि आप इजीली जज कर पाएँ कि आपको जो अपनी बाइक के लिए है कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए अब यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको इन दोनों का कंपेरिजन दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो नोज़ ग्रिल है, आप इसको पीछे की तरफ से देखिएगा दोस्तों। जब भी आप नोज़ ग्रिल बाई करें तो इस चीज़ का खासा ध्यान रखें कि आप यहाँ पर जो पे कर रहे हैं वो ओरिजिनल वन का पे कर रहे हैं या फिर कॉपी वन का पे कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है दोस्तों, ये हमारा एक इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है, ये इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर नहीं होता, ये बाहर से आता है। तो यहाँ पर ये जो क्वालिटी है इंडियन क्वालिटी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्राइस को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर क्वालिटी के साथ कितना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है, वो मैं आपको वीडियो के आगे बताऊँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर क्लीनिंग और यहाँ पर दोस्तों ड्राई पाउच दोनों मिल जाएंगे। तो ये तो चीज़ सेम है, आपको इस चीज़ में कुछ ज़्यादा खास फर्क नहीं महसूस होगा। तो चलिए अब मैं यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन दिखाता हूँ। तो अब मैं आपको क्लोजअप दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप यहाँ पर दोनों ही जो गोल्ड कलर के नोज़ ग्रिल है उसको आप अंदर की तरफ से देखिए। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कॉपी वन जो नोज़ ग्रिल है वो यहाँ पर स्क्रूज़ के थ्रू फिक्स हो रखी है, 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको यहाँ पर 4 दोस्तों नट्स मिल रहे होंगे, अगर मेरा कैमरा जज कर पा रहा है। तो और थोड़ा मैं क्लोजअप दिखाने की कोशिश करता हूं, ताकि आप इजीली इस चीज़ को डिफरेंशिएशन कर सकें। तो अब मैं आपको ओरिजिनल वन के अंदर दिखाता हूं। अब आप यहां पर ओरिजिनल वन के अंदर देखिए, आपको कहीं भी दोस्तों कोई भी ऐसा नट नहीं मिलेगा जिसके ऊपर ये ग्रिल फिक्स हो रखी है। यहाँ पर जो फिक्स हो रखी है, इस ग्लू के साथ फिक्स हो रखी है, जो इसका ग्लू है वो काफ़ी अच्छा है। मैं पीछे से नोज़ ग्रिल पर काफ़ी जोर लगा रहा हूँ, बट ये बिल्कुल भी दोस्तों मूवमेंट भी नहीं कर रही है। तो ये एक सबसे अच्छी बात है। दूसरा, मैं आपको पीछे की तरफ दिखाना चाहूँ, यहाँ पर आप जो 3mm टेप जो ऑफर होती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 3mm टेप है वो कितनी वाइड है, और यहाँ पर जो 3mm टेप लगी हुई है वो कैसी वाली है। तो यहाँ पर जो, अगर दोस्तों आप इस वाली नोज़ ग्रिल को अपनी बाइक के अंदर लगाएंगे तो आगे से आप अपनी बाइक को पकड़ के मूव तक कर सकते हैं, बट ये नोज़ ग्रिल नहीं हिलेगी। क्योंकि इसको पर्सनली मैं 6-7 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, मेरी बाइक के अंदर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, बट इसकी जो स्टडीनेस है वो इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी। आप अगर सोच रहे हैं कि जो टेप की क्वालिटी वो सेम है, तो मैं आपको कंफर्म बता दूं दोस्तों, दोनों की जो टेप क्वालिटी है वो बिल्कुल भी सेम नहीं होने वाली है। यहाँ पर जो इसका टेप है, ये दोस्तों एक बहुत चीप सा टेप है, ये देखिए यहाँ पर जो इसका ग्लू है, आप देख सकते हैं कि इसका ग्लू इस टेप के साथ भी आ रहा है, बट यहाँ पर इसकी थिकनेस देख सकते हैं आप, इस ग्लू की थिकनेस ये देखिए। अब मैं आपको यहाँ पर ओरिजिनल वन के अंदर दिखाता हूँ कि इसका जो ग्लू है वो कैसा वाला है। तो जब फर्स्ट टाइम मैंने इसका एक दोस्तों अनबॉक्स वीडियो बनाया था और इंस्टॉलेशन वीडियो बनाया था, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। तो पर्सनली मैंने अपनी बाइक के अंदर वही इंस्टॉल किया था, तब मैंने उसका पे अप्रोक्स 699 किया था दोस्तों। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये वाला 3mm टेप है, ये काफ़ी ज़्यादा स्टिंकी है। तो ये आपकी बाइक के अंदर ईजिली दोस्तों आगे की तरफ फिक्स हो जाएगा, और आपकी बाइक के अंदर इतना ज़्यादा स्टडीनेस फील दिलाएगा कि आप इसको ईजिली अपनी बाइक को मूव कर पाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं ग्रिल की थिकनेस की। तो आप यहाँ पर ओरिजिनल वन के अंदर देख सकते हैं, जो ग्रिल की थिकनेस है वो काफ़ी अच्छी है, जबकि डुप्लीकेट के अंदर जो ग्रिल है दोस्तों, आप दबाएंगे और ईजिली दब जाएगी, ऐसे लगेगा अगर आपने थोड़ा सा और जोर लगाया तो ग्रिल निकल के बाहर आ जाएगी, ये देखिए। जबकि ओरिजिनल वन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, जो ओरिजिनल वन की जो ग्रिल की थिकनेस है वो इतनी ज़्यादा है और इतना अच्छे से फिक्स हो रखा है कि आप इसको मूव भी करेंगे तो भी ये बिल्कुल मूव नहीं होगा। उसके बाद मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पर अंदर की तरफ फिनिशिंग की। तो आप यहाँ पर ग्रिल के अंदर की तरफ फिनिशिंग देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर जो फिनिशिंग है वो कितनी अच्छी है, और आप यहाँ पर
जो कॉपी वन है उसके अंदर देख सकते हैं कि जो इसकी क्वालिटी है वो कैसी है। तो अब आप शायद यहाँ पर इजीली जज कर पाएँ कि आपको जो प्रोडक्ट मिला है वो कॉपी वन है या फिर ओरिजिनल वन। तो मैं आपको नहीं कहता कि आप ओरिजिनल वन को ही बाइक करिए। अगर आपका बजट नहीं है तो आप 350 तक की नोज ग्रिल के अंदर भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लुक के अंदर फ़र्क नहीं पता चलेगा, बट हाँ अगर आप क्वालिटी से इम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते तो फिर मैं दोस्तों आपको ज़रूर रिकमेंडेड करूँगा कि आप ओरिजिनल वन को ही बाई कीजिए। यहाँ पर प्राइस थोड़ी 250 की ज़्यादा है, ट्रस्ट में गाइज ये बिल्कुल वर्थ इट है। आपको बिल्कुल भी दोस्तों यहाँ पर ये फील नहीं होगा कि आपने कोई गलत चीज़ बाई की है। अगर आप मुझसे पूछें कि आपको कौन से ग्रिल को बाई करना चाहिए तो दोस्तों मैं रिकमेंडेड करूँगा आप ओरिजिनल वन पर ही जाइए। यहाँ पर अगर आपका बजट नहीं है तब तो आप दोस्तों इसको बाई कर सकते हो, सबकी अपनी अपनी चॉइस है कि उनका कितना क्या बजट है। इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बना दूँ ताकि आपके लिए आसानी हो इस चीज़ को डिस्क्रिमिनेट करना कि आप जो नोज ग्रिल बाई कर रहे हैं उसका जो पे कर रहे हैं वो आप ओरिजिनल वन का पे कर रहे हैं या फिर कॉपी वन का पे कर रहे हैं। एंड वन मोर थिंग दोस्तों, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इन नोज ग्रिल में से सबसे अच्छी नोज ग्रिल कौन सी लगी। तो यहाँ पर आप कलर ऑप्शंस तो देख ही सकते हैं, हमने कलर ऑप्शंस सारे रखे हुए हैं। यहाँ पर हमारे पास ये ब्लू कलर की नोज ग्रिल भी है कंपैरिजन के लिए, और हमारे पास यहाँ पर एक रेड कलर की भी नोज ग्रिल है। तो मैंने अपनी जो बाइक है उसके अंदर दोस्तों यहाँ पर जो गोल्डन कलर की नोज ग्रिल है वो इंस्टॉल करवाई हुई है। यहाँ पर एक और मैं आपको कंपैरिजन दिखा देता हूँ कलर ऑप्शंस के साथ ही। यहाँ पर जो नोज ग्रिल है वो ब्लू कलर की नोज ग्रिल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं आपको इनके डायमेंशन दिखाना चाहूँ कि अगर इनकी साइज़ की अपन बात करें तो यहाँ पर साइज तो बिल्कुल सेम ही है, आपको बिल्कुल फर्क नहीं पता चलेगा कि साइज़ कम है या ज़्यादा। आप इस चीज़ को सोचें कि नहीं शायद फिटिंग में प्रॉब्लम आएगी, तो फिटिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस यहाँ पर जो पीछे की तरफ से जो स्टक होगा दोस्तों उसी में प्रॉब्लम आएगी। बाकी ऊपर की तरफ ये जो एज है ये इजीली आगे की तरफ जो V3 है उसके अंदर ऊपर की तरफ हुक हो जाते हैं और इजीली क्लैंप हो जाता है। तो आप चाहें तो इसको खुद से भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। हमने दोस्तों ओरिजिनल वन और फेक वन दोनों का ही वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं कैसे आप इसको इंस्टॉल करें, क्या चीज़ का ध्यान रखें, तो उसका हमने एक कम्प्लीटली रिव्यू वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहां से जाके उस लिंक पर क्लिक करके वीडियो वॉच आउट कर सकते हैं, आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। सो आई होप सो आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर जो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है जिसका नाम है अंकु टिप्स एंड ट्रिक्स, उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। तो वहाँ पर आप जाके मुझे पिक भेज सकते हैं कि सर जो हमारा प्रोडक्ट वो हमें ओरिजिनल वन मिला है या फिर फेंक वन मिला है। काफ़ी सारे आपके कमेंट्स आ रहे थे और DM आ रहे थे, तभी मैंने सोचा कि चलिए मैं आपके लिए दोनों ही नोज ग्रिल बाई करता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर आप दोस्तों ये दोनों तरीके की नोज ग्रिल बाई करना चाहते हैं तो आप PGX से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो दोनों तरीके की ही नोज ग्रिल रखते हैं। वैसे तो हम फेंक वन के साथ डील नहीं करते हैं, यानी कि जो कॉपी वन है, बट कई बार कस्टमर्स कहते हैं कि सर आपकी प्राइस ज़्यादा है तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग देख के इसको बाई कर सकते हैं। तो ये आपके लिए शायद काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, हम नहीं चाहते कि हमारे कोई भी कस्टमर्स चीट हो। वन मोर थिंग दोस्तों, जो भी प्रोडक्ट आते हैं वो आपको COD नहीं मिलेंगे, उस चीज़ के लिए एक्सट्रीमली सॉरी, बिकॉज ऑफ क्योंकि हम ऑनलाइन डील करते हैं और हमारे प्राइवेट कुरियर्स के थ्रू ये पार्सल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको दोस्तों जो पेमेंट है वो पहले ही पे करना होगा, बट आप ट्रस्ट रखिए दोस्तों, आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका पेमेंट होने के बाद आपको आपका प्रोडक्ट ना मिले। और यूजुअली जो डिलीवरी टाइम है दोस्तों 5 से 6 दिन लगता है, वो डिपेंड ऑन कि आपकी डिस्टेंस कितनी है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये डिलीवरी चार्जेस भी उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करते हैं। डिलीवरी चार्जेस जो भी होते हैं वो एक्सक्लूड ही होते हैं, इंक्लूड नहीं होते हैं प्राइस के अंदर, क्योंकि कोई की डिस्टेंस दोस्तों बहुत कम होती है, जहाँ पर 50 या 100 का ही हमें डिलीवरी चार्ज पे करना होता है, कोई की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहती है तो वहाँ पर हमें 150 to 200 भी पे करना होता है। तो वो चीज़ दोस्तों बिल्कुल फेयर है डिलीवरी चार्जेस। सो मिलते हैं कुछ ऐसी ही अनबॉक्सिंग एंड कंपैरिजन के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, थैंक यू।